हेलो गाइस, मैं हूं एन के प्रजापति, आपका दोस्त और होस्ट। गाइस, मेरे पास यहां पे एक पैकेज जिसमें कि है स्मार्ट वॉच एम्बरन ब्रांड की तरफ से। तो कुछ इस तरीके की पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है। एम्बरन की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इसको मंगाया है और मेरी जो पर्सनल डिटेल्स है मैंने ब्लैकआउट कर रखी है ताकि वो डिटेल्स लीक ना हो। प्राइवेसी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। और गाइस, ये जो आइटम है एक गिफ्ट आइटम है, मैं नहीं चाह रहा था इसके अनबॉक्स करो, बट यहाँ पे पीछे की साइड क्लियरली मेंशन है इसको अनबॉक्स करते टाइम हमें वीडियो बनानी है ताकि अगर गलती से प्रोडक्ट डैमेज हो, कुछ दूसरा प्रोडक्ट हो, तो हम क्लेम कर पाए। अगर वीडियो नहीं होगी तो हम क्लेम नहीं कर पाएंगे। डेट्स वाई मेरे को ये वीडियो बनानी पड़ रही है। और जिसको भी प्रोडक्ट मिल रहा है तो प्लीज़ समझिएगा मेरी प्रॉब्लम कि मैं इसको वीडियो क्यों बना रहा हूँ। सो गाइस, ये सीन है। और जिनको नहीं पता एम्बरन ब्रांड के बारे में, उसको मैं बताना चाहूँगा। एम्बरन ब्रांड जो है यहाँ पे एक इंडियन ब्रांड है जो कि बनाता है स्मार्ट वॉच, स्नैक बैंड, ईयरबड्स और पावर बैंक एक्सेट्रा, ऐसी मोबाइल की एसेसरीज। सो कुछ इस तरीके की है ये स्मार्ट वॉच, ये तो सॉरी पैकेट है। चलो इसको अनबॉक्स करके देखते हैं क्या निकलता है और किस तरीके की चीज़ें इसमें कौन वाली है। तो वैस ये है हमारा बॉक्स और हमारे पास है यहाँ पे एक सीजर यानी कैची। चलो इसको काटते हैं, इसकी अनबॉक्सिंग भी हो जाएगी और देख भी लेंगे प्रोडक्ट जो है हमारे पास ओरिजिनल क्वालिटी में यानी अच्छी क्वालिटी में पहुँचा है या फिर नहीं, डैमेज तो नहीं है या फिर कुछ गलत प्रोडक्ट तो नहीं है। बट देख के नहीं लग रहा, डब्बा अंदर जो है हमारे स्मार्ट वॉच का ही है। तो ये निकाल लेते हैं कुछ तरीके से। यहाँ पे ये जो है ये इसमें बिल है जिसको मैं खोल के नहीं दिखा सकता बिकॉज पर्सनल डिटेल्स है इसमें। बिल्कुल रख देते हैं साइड में। देखते हैं ये बबल रैप दिया हुआ है, कैसी अच्छी चीज़ है ताकि जो हमारा प्रोडक्ट है वो डैमेज ना हो। सभी ब्रांड को सीखना चाहिए, बहुत सारे ब्रांड नहीं देते हैं यहाँ पे बबल रैप, उसको देना चाहिए। ये प्रोडक्ट डैमेज होने से बचा लेता है डिलीवरी के टाइम पे। तो कुछ इस तरह का बॉक्स जो हमें देखने को मिल जाता है, एम्बरन फिट शॉर्ट सर्च इसका जो है यहाँ पे नाम है। अच्छा खासा बॉक्स यहाँ पे देखने को लग जाता है, मिल रहा है। और बैक साइड में हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है 75 प्लस वॉच फेसिस हैं यहाँ पे, 8 जो है ट्रेनिंग मोड्स हैं, IP68 वाटर प्रूफ है। वाटर में लेकर चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पहन के नहाओ, बारिश में घूमो। और जो बैटरी लाइफ है इसकी 7 डेज की होने वाली है, यहाँ पे बताया गया है। आईफोन और एंड्रॉयड दोनों में ही ये सपोर्टेड है गाइस यहाँ पे। और ये इंडियन ब्रांड है तो यहाँ पे ये भी मेंशन इन्होंने कर रखा है। बाकी जो डिस्प्ले साइज है वो 1.28 की स्क्रीन साइज है, टच स्क्रीन होने वाली है। साइड बटन भी हमें देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ वर्जन जो है वो गाइस हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पर 5.0। और iOS वगैरह सब में सपोर्टेड है, 9 प्लस या उससे अब होना चाहिए और एंड्रॉइड में 4.4 से अब होना चाहिए। बैटरी तो देखने को मिलती है हमें 200 mAh की देखने को मिल रही है। उसके बाद ये 3 घंटे का इसका चार्जिंग टाइम होने वाला है। और जो चार्जिंग है वो ड्यूल पिन की मैग्नेटिक चार्जिंग होने वाली है जो कि साथ देखने को मिलेगी। रेस्टफुल ऑफ स्मार्टनेस लिखा हुआ है यहाँ पर, कुछ डिटेल्स यहाँ पर मैंसन है। और इस साइड हम देखते हैं तो इस साइड भी कुछ डिटेल मैंसन है। 1.28 की फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले है यहाँ पे और ये हार्ट मॉनिटरिंग करता है, ऑक्सीजन सर्कुलेशन है यहाँ पे, स्लीप मॉनिटरिंग है, स्टेप ट्रैकर है, म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, नोटिफिकेशन अलर्ट देख सकते हैं और ब्रेथ मोड भी यहाँ पे देखने को मिल जाता है किस तरीके से। और वैसे यहाँ पे सील दे रखी है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए। तो एक सील यहाँ पर है और एक सील यहाँ पर, दो सील है जिसको चलो हम ब्रेक कर लेते हैं। मेरा मन नहीं कर रहा बट जिसके लिए भी मैं दे रहा हूँ समझ लेना है, तुम्हारे लिए ही ब्रेक कर रहा हूँ मैं बिकॉज इट्स इंपॉर्टेंट, वीडियो बनानी जरूरी थी। दो फायदे हो जाएंगे, एक तो हमारे प्रोडक्ट की सेकंड हो जाएगी, दूसरी हमारी वीडियो भी बन जाएगी, दोनों चीज़ बढ़िया है। चलो भाई साहब देखते हैं इसका फर्स्ट लुक कैसा होने वाला है। भाई साहब देख सकते हो कि अंदर भी इसमें जो है यहाँ पे दे रखी है इन्होंने क्या चीज़, सील अच्छी तरीके से ताकि ओरिजिनलिटी की पहचान हो सके, कोई इसमें ऊपर नीचे करे तो वो पता चल जाएगा साफ साफ। अनपैक कर लिया है हमने और ये हटाते हैं तो वैसे यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट ओपन मी। अरे नहीं भाई, हम तो ओपन करेंगे, ऐसे कैसे ओपन नहीं करेंगे भाई, पैसा खर्च करा है क्या तुमको ही पता है गिफ्ट है कि हमें ओपन नहीं करना चाहिए, इसलिए तो नहीं निकल रहे डोंट ओपन मी। तो ये कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं, उनको अच्छा लिखा हुआ है नीचे, प्लीज रीड द यूजर मैनुअल वगैरह में देखने को मिल जाते हैं इसमें, तो उनके हम देखें इसमें। तो भाई साहब ये कुछ चीज़ें हैं इसमें, वारंटी कार्ड वगैरह है, यूजर मैनुअल वगैरह है, सारी चीज़ें दे रखी है। इनको रख देते हैं हम इस वापस से साइड में। और गाइस ये है हमारी स्मार्ट वॉच जो कि कुछ इस तरीके से रखी हुई है, चलो उसको भी निकालते हैं। और ये हम निकालेंगे कुछ इस तरीके से, स्मार्ट वॉच को फिलहाल साइड में रखते हैं, देखते हैं ओके क्या आता है। ये जो है ऐसे ही है। और ये है गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो इसका मैग्नेटिक चार्जर, जैसे ही मैंने आपको बताया था 2 पिन वाला, तो ये वही चीज़ है। तो इसको रख देते हैं इस बॉक्स में। वापस से आते हैं हमारे स्मार्ट वॉच पे, तो कुछ इस तरीके से हम निकालेंगे इसे, कैसे टेढ़ा करके निकालना पड़ेगा। ओके सो गाइस ये है वो स्मार्ट वॉच, फीचर्स मैंने आपको बता दिए थे और ये जो है सिर्फ अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है, तो ज़्यादा डिटेलिंग में बात करूँगा नहीं। इसकी डिटेलिंग जो रिव्यू वीडियो है वो आपको कुछ समय बाद देखने को मिलेगी। तो काफ़ी लाइट वेट है गाइस ये,
और स्ट्रैप की क्वालिटी अच्छी लग रही है। यहाँ पर सिलिकॉन के स्ट्रैप हमें देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर हैम्पटन ने अपनी ब्रांडिंग इधर कुछ तरीके से कर रखी है। और ये जो स्ट्रैप साइज है गाइस वो 20mm होने वाला है, यहाँ पर थोड़ा पतला है और 22 जो होता है थोड़ा होता है। तो मेरे पास जो स्मार्ट वॉच मैंने पहन रखी है फिलहाल इसमें 22mm है, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है, बट ये भी इतना बेकार नहीं है, अच्छा है। ये भी थोड़ा सा फर्क होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पर है। और ये है गाइस यहाँ पर एक स्टीकर, इसको उड़ाने के बाद हमारी मेन डिस्प्ले दिखेगी। बट बिल्ड क्वालिटी हम देख लेते हैं पहले। देखो यहाँ से आप जो है स्ट्रैप भी चेंज कर सकते हो, इसको निकाल सकते हो यहाँ से जिस तरीके से। तो गाइस जो ये जो इसकी क्वालिटी है, क्वालिटी अच्छी लग रही है देखने में। जो इसका फ्रेम है वो मेटल का है, और जो बैग्स है गाइस वो जो यहाँ पे है प्लास्टिक की हमें दी गई है। एम्बरन की ब्रांडिंग है और सेंसर वगैरह जो है यहीं पर हैं सारे। ये है हमारा चार्जिंग पॉइंट, और ये एक सिंगल जो बटन इसमें दे रखा है वो है, और ये है इसका स्टीकर। चलो स्टीकर भी हम थोड़ा के देखते हैं कि किस तरीके से निकलती है हमारी स्मार्ट वॉच। और इसको बूट कर लेते हैं, प्रेस करके रखेंगे हम बटन को, तो कुछ समय बाद ओपन हो जाएगी, हल्का सा टाइम लेगी, बट ये ओपन नहीं हो रही है। आई थिंक ये डिस्चार्ज तो नहीं है, ये ओपन नहीं हो रही है गाइस अभी। तो चलो मैं इसको थोड़ी देर चार्ज लगाता हूँ, उसके बाद ओपन करने का ट्राई करूँगा। सो गाइस ऑलमोस्ट 10 मिनट हमने इसको चार्ज पे लगाया, आई थिंक अभी ओपन हो जानी चाहिए। चलो देखते हैं। तो गाइस ये जो है गाइस यहाँ पे ओपन हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बट इसका ग्लास देखो गाइस काफ़ी अच्छा है, मतलब उभरा हुआ टाइप का 3D में, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और एक चीज़ मेरे को अभी कन्फ्यूजन है, इसका तो फ्रेम जो मैंने बताया आपकी मेटल का है, बट शायद ही प्लास्टिक का भी हो सकता है, मेरे को अभी कन्फर्मेशन नहीं है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है यहाँ पे। बट क्वालिटी बिल्ड इन क्वालिटी गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मेरे को पर्सनली ये हाथ में छू के लग रही है। वो मैं आपको पहन के उसको दिखाता हूँ, बट उससे पहले चेक कर लेते हैं कि वॉच में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। फीचर्स गाइस मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए थे, और ये देखने में गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, काफ़ी ज़्यादा विजिबल भी है ये यहाँ पे। और ये मल्टी फंक्शनल बटन है, ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, ये जो है स्क्रॉल तो नहीं होता है, घूमने से इसको कुछ फंक्शन की होती नहीं है, बट कुछ तरीके से काम करती है। यहाँ पे इसके सारे फीचर देखने को मिल जाते हैं हमें, और काफ़ी स्मूथली चल रही है गाइस ये यहाँ पर। और ये कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे हमारा जो है स्टेप वगैरह आ जाते हैं, हेल्थ आ जाती है, वेदर आ जाता है, शटर बटन है, जिससे कि क्या है आप मोबाइल में कैमरा ऑन करके छोड़ दो और इसको कनेक्ट कर लो अपने मोबाइल से, इस पर टच करोगे तो आपकी जो फोटो क्लिक हो जाएगी। ऐसे ये आपके कैमरे का शटर बटन भी काम करेगा। उसके बाद प्लेयर है, म्यूजिक कंट्रोल यहाँ पे सब कर सकते हो, जब आप मोबाइल से कनेक्टेड होगा तब। और उसके बाद ब्रेथ वगैरह भी है यहाँ पे, सब कुछ चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर देखने को लग रहे हैं गाइस यहाँ पे। और मैं इधर जाऊँ वो देखते हैं इसके अंदर और क्या क्या चीज़ देखने को मिल जाती है। तो गाइस इनबिल्ट 2 गेम भी है इसमें, जिसमें कि आप यहाँ पर टाइम पास करने के लिए गाइस इसको खेल सकते हो। ये भी गाइस काफ़ी अच्छी चीज़ है, मतलब वॉच में गेम दे दिया यार, मेरी इतनी महंगी वॉच है, मेरे में नहीं है, बट इसमें है, अच्छी बात है। ये भी महंगी है यार वैसे तो, प्राइस के बारे में थोड़ी देर बाद में बात करेंगे। तो ये सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इसमें, शटर बटन वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। स्टेप वगैरह काउंट कर लेता है ये, और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें आती हैं। यहाँ से भाई इसका मेन्यू भी गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है मेरे को पर्सनली, देख सकते हो गाइस मेन्यू काफ़ी अच्छा है, डेट दिखा रहा है यहाँ पर, टाइम दिखाता है, बाकी ये क्या चीज़ है, फ्लैश, ओ फ्लैश भी है इसमें, आर्टिफिशियल फ्लैश, ये भी अच्छी चीज़ है। बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें कंट्रोल देखने को मिल जाती है। वैसे से मैंने वो कहा था कि ये जो है रिव्यू वीडियो नहीं है, ये अनबॉक्सिंग वीडियो है, तो जो मेरे को देखने को मिला आपको मैंने यहाँ पे दिखा दिया है। बाकी वैसे देखने में गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसकी बिल्ड क्वालिटी भी गाइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। चलो मैं इसको पहन के भी देख लेता हूँ एक बार किस तरीके से ये लग रही है मेरे हाथों में। वैसे लड़कों को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप 22mm की वॉच जो है यहाँ पर रेफर करो, और लड़कियाँ जो है यहाँ पर 20mm की ले सकती हैं, बिकॉज लड़कियाँ जो वॉच पहनती हैं उनकी जो स्ट्रैप होती है पतली होती है। बट इस 20mm भी मेरे हाथ में बेकार नहीं लग रही है गाइस, आप देख सकते हो काफ़ी प्रीमियम सी लग रही है, काफ़ी अच्छा सा लग रहा है मेरे हाथ में ये वॉच, और सही है यार मतलब 10mm देखने के लिए। बाकी पेयरिंग करने के लिए इसकी एप्लीकेशन आती है मोबाइल में, वो आप डाउनलोड करो, उसके बाद इसको जो है अपने मोबाइल से पे करके मोबाइल से भी चीज़ें कनेक्ट कर पाओगे, और ये मोबाइल से डाटा जो है फेच कर पाएगा, आपके जो व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, SMS आ रहे हैं, उन सबको आप यहीं पे रीड कर पाओगे। इसमें कोई भी स्पीकर नहीं है, माइक नहीं है, बिकॉज इसमें कॉलिंग फीचर में देखने को नहीं मिलता, और इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी नहीं, यानी AOD भी नहीं है, बस ये दो चीज़ मिसिंग है, बाकी सारे फीचर्स में हमें देखने को मिल जाते हैं। अभी सही स्मार्ट वॉच है गाइस ये। सो गाइस ये थी यहाँ पे एम्बरन की वॉच, और मैंने अभी भी पहन रखी है। तो गाइस मेरे हाथ में कितनी ज़्यादा सही लग रही है ना, ये बिल्कुल राउंड डायल की मेरे को पर्सनली ज़्यादा पसंद आती है, बिकॉज चौकोर वाली जो होती है थोड़ा बच्चों की जो वॉच आती है ना उस टाइप का फील देती है, बट राउंड जो है वो काफ़ी अच्छी सी लगती है। और ये गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी सही सी लग रही है ना, नहीं तो ये काफ़ी अच्छी लग रही है मेरे को, और पसंद है मेरे को ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, अब कितनी तारीफ करूँ बट सच में काफ़ी अच्छी है। इसके प्राइस के हिसाब से बात करें प्राइसिंग की, तो उसका जो प्राइसिंग है ये जो है आपको देखने को मिल जाएगी, तो लॉन्च हुई थी तो 2500 की लॉन्च हुई थी, और अभी इसका जो प्राइस है वो 2000 से 2500 के बीच में यहाँ पे रहता है। फ्लिपकार्ट अमेजन पे आप चेक कर सकते हो, फ्लिपकार्ट पे ये अवेलेबल है, बट क्योंकि मैंने इसको एम्बरन की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया और इनकी 11th एनिवर्सरी की सेल चल रही थी, तो ये वॉच मेरे को पड़ी है सिर्फ 900 रुपीज़ में। जी हाँ दोस्तों,
8.99 में मेरे को ये वॉच पड़ गई, काफ़ी अच्छा ऑफर था, अब तो ये एक्सपायर हो चुका है, बट प्रोडक्ट रियल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। बाकी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से आप मंगा सकते हो, और वैसे मेरे को काफ़ी अच्छी लग रही है। ये है एम्बरेन ब्रांड कैप्सूल वॉच। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे को एक चीज़ जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको इस तरीके की वीडियो जो है पसंद आ रही है, जिसमें मैं कैजुअली ओपन कर रहा हूँ आपके सामने प्रोडक्ट्स और आपको बता रहा हूँ डिटेल्स किस तरीके से, वो यहाँ पे ऑफिशियल तरीके से हम चीज़ें नहीं कर रहे हैं, बट मेरे को पता है इस चीज़ से आप जो है ज़्यादा रिलेट कर पा रहे होंगे मेरे से, बिकॉज आप भी कुछ इस तरीके से अनबॉक्सिंग करते हैं, ऐसे चीज़ें करते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपकी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। टाटा बाय बाय, सी या।